सब्सक्राइब करें ऑटो एक्सपर्ट गुरु चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, हमें कार में काफी सारे स्विचेस दिखाई देते हैं और कुछ कुछ स्विचेस का हम अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हैं और हमें पता भी होता है किस तरीके से इसका हमने इस्तेमाल करना है, लेकिन कुछ स्विच ऐसे होते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता, लेकिन दिखते हमें रोजाना ही हो कि हमारी कार में ये होता है, लेकिन हमें उसका अच्छे से यूज करना नहीं आता है। इसी तरीके के एक स्विच के बारे में बात कर रहा हूं मैं, जिस तरीके का स्विच आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा और यहाँ पे आपको दिखाई देता जब भी आप अपनी कार में बैठते हैं, ये होता है दोस्तों आपके हेडलाइट लेवलिंग स्विच। हेडलाइट की जो रोशनी पड़ती है सामने, उसको लेवल को स्विच करने के लिए, उसके लेवल को अप एंड डाउन करने के लिए ये स्विच होता है। तो ठीक है, चलो, कुछ लोगों को ये भी पता होगा कि ये हेडलाइट को अप एंड डाउन करने के लिए होता है, लेकिन किस सिचुएशन में अप एंड डाउन करने के लिए होता है, तो ये सारी चीजें आपको मैं आज क्लियर करूंगा। और जब भी हम फॉग में कार चलाते हैं तो किस तरीके से इसको हम काम में ला सकते हैं, तो चलिए आज इस बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरु और आप देख रहे हैं ऑटो एक्सपर्ट गुरु। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं किस तरीके से काम करता है। देखिए दोस्तों, नॉर्मल जो हमारी कार की पोजीशन होती है, जो हमारी लाइट की पोजीशन होती है, वो होती है जीरो। जीरो के बाद वो डाउन डाउन डाउन, वन टू थ्री फोर, उसमें चार उसमें ऑप्शन दिए गए, उस हिसाब से हम उसकी लाइट को सेट कर सकते हैं। वो होता है डाउन आने के लिए। अप साइड तो हमारा पूरा है जिसपे हम नॉर्मली कार चलाते हैं और जो नॉर्मली जिसपे रहता है, तो उसके बाद डाउन आने की उसको जरूरत क्यों है, क्योंकि हम तो नॉर्मल इसी तरीके से कार चला रहे हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, ये रही जैसे कार, अभी ये नॉर्मल कार है हमारी, अभी इसका जीरो पे है ये, ठीक है, नॉर्मल जिस पे हम चलाते हैं उसी पे है। अगर इसके बूट में हम सामान रख लेते हैं 70-80 किलो जो भी रखते थे, और पीछे बैठ जाते तीन पैसेंजर, कार के अंदर तीन पैसेंजर बैठ गए और पीछे को 70-80 किलो वेट हो गया, तो कार ऐसी कैसी तो रहेगी नहीं। कार इस तरीके से हो जाएगी, पीछे से थोड़ी झुक जाएगी और आगे से थोड़ी सी उठ जाएगी, ठीक है। अभी आपके पास कार है तो आपको खुद पता होगा कि अगर पीछे तीन पैसेंजर बैठ जाए और थोड़ा सामान कार में हो तो कार थोड़ी सी ऐसे हो जाती है। तो इस सिचुएशन में होता है क्या, लाइट तो बिल्कुल ऊपर की साइड जाएगी फिर, और हमें उस तरीके से हमें क्लियर व्यू मिल नहीं पाएगा आगे, हमें सड़क पे तो लाइट उसकी पड़ नहीं रही, क्योंकि कार हो गई ऐसे, तो इस तरीके से लाइट भी हो गई ऊपर की साइड, सामने जो कार आ रही उसको भी दिक्कत हो रही, जो आगे हमारी कार चल रही उसको भी दिक्कत हो रही, और हमें खुद देखने में दिक्कत हो रही। तो ये लेवल करने के लिए स्विच होता है, जो हमारे लाइट का लेवल है उसको लेवल करने के लिए स्विच दिया जाता है, इसीलिए इसको हम डाउन 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 लेके आ सकते हैं। इसमें चार इसमें दिए गए आपको स्विचेस, 1 2 3 4, तो आप उस हिसाब से इसके स्विचेस को डाउन कर सकते हैं और लाइट को बिल्कुल उस लेवल पे लेके आ सकते हैं जिस लेवल पे हम कार को चला रहे थे, बिना पैसेंजर को जो हम कार को चला रहे नॉर्मल उस पे, तो उस पोजीशन में कार की लाइट आ जाएगी और हम इजीली कार को चला पाते हैं। ये तो एक तरीका है कि किस तरीके से काम करता है। अब मैं आपको बता दूं, चलो थोड़ा मैकेनिकली आपको बता दूं किस तरीके से ये पूरा काम करता है। ये स्विचेस देखिए यहाँ पे लगा है, हम इसको अप एंड डाउन करते हैं तो आप किस तरीके से लाइट को ऊपर नीचे करता, चलिए आपको इस बारे में बता देता हूँ। देखिए, हेडलाइट के पीछे लगा रहता हमारा एक मोटर, और जो हमारा रिफ्लेक्टर होता है उस रिफ्लेक्टर को मोटर अप एंड डाउन करता है। अगर हम यहां से उसको स्विचेस को घुमाते हैं, अप साइड करते हैं, डाउन साइड करते हैं, तो मोटर क्या करती है, जो रिफ्लेक्टर होता है वो, जिससे कि हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होकर आगे जाती है, तो उस रिफ्लेक्टर को ऊपर नीचे करता है। अगर हम ऊपर की साइड करते हैं तो ऊपर की साइड करता है, अगर नीचे की साइड करते हैं तो नीचे की साइड रिफ्लेक्टर होता है, तो इसलिए इस तरीके से वो काम करता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसको फॉग में काम में ला सकते हैं। देखिए दोस्तों, फॉग लाइट का जो हमारी कार में फॉग लाइट होती है, जब फॉग लगता है, फॉग होता है सामने, तो हम फॉग लाइट को ऑन कर देते हैं। उससे क्या होता है कि एक हमें वाइड एंगल में रोशनी मिलती है, हम सड़क के डिवाइडर हो गया, सड़क के कॉर्नर हो गया, या सड़क में जो बने हुए साइन है इनको हम देख पाते हैं उसकी मदद से, बिल्कुल हमारे सड़क से वो लाइट चलती है। अभी यहाँ पर अगर हम हेडलाइट को इसको बिल्कुल फोर पे कर देते हैं, बिल्कुल डाउन कर देते हैं, ठीक है, अभी हमारा जीरो पे है, तो ये तो एक नॉर्मल जो हमारा जब हम कार चलाते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में ही है, लेकिन अगर हम इसको बिल्कुल डाउन कर देते तो बिल्कुल ये बिल्कुल नीचे आ जाएगी, जिस तरीके से हमारी फॉग लाइट काम करती है। तो इस तरीके से फॉग लाइट का भी काम ये कर पाएगी, और फॉग में ये स्पेशली अगर फॉग है तो आप इसको बिल्कुल डाउन कर दें, लाइट को, उसके रिफ्लेक्टर को बिल्कुल डाउन कर दें, उसको फोर पे कर दें, तो इस तरीके से हमारी कार आसानी से हमें सड़क भी दिख जाएगी और अच्छे से हमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपके मन में जो भी डाउट रहा होगा या जो भी आपके मन में शंका रही होगी कि यार स्विच किस चीज का होता है और हम इसको काम में कब लेके आ सकते हैं और क्यों दिया होता है, तो जो भी आपके मन में डाउट था वो सारा आज क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर करने की मैंने कोशिश की, अगर आपके आपके भी उस
मन में कोई सुझाव है या सवाल है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें।